करना ही होता जो है। अभी मैं एक और ये दावा कर रहा हूं, एक काम और करना पड़ेगा, 111 रुपए मेरे तरफ से करना पड़ेगा। हाँ तो भाई सरकार का ही रुपये इकट्ठे करने कर लोगे? अरे रुक के मार के बताओ, इसलिए कत्ती तो बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी जितने रुपया इकट्ठे करके मुख्यमंत्री ने देंगे। अग भाई ऊ तो इतना माल खावा, आप लोगों ने देखा कि कितने कितने सौ सौ करोड़ के तहसीलदार हो रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार आप लोगों ने बेरा है। देखो मेरे ख्याल में तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप लोगों को पूरे हरियाणा में कितने लोगों को निकाला गया है? 2200 लोगों को। बढ़िया पीछे कर ले बेटा, ये लोगों दिए ने। अब यहाँ कितने लोगों को निकाला गया है? 150 लोगों को। मुझे लगता है कि ये इससे शर्म की बात करी, मेरे ख्याल में 100 तो नर्स है अकेली। कितनी है? 103 नर्स हैं, और पूरे हरियाणा में मिला के करीब मेरे ख्याल में 1500 नर्से हैं। आप लोगों ने जब मुसीबत का टाइम था, जब कोरोना का टाइम था, उस कोरोना के टाइम में आप लोगों ने सरकार की भी हेल्प की, लोगों की भी हेल्प की, करी कि नहीं करी? करी है ना आप लोगों ने। तो एक बात बताओ, जो टोटे में साथ दे उसने छोटनिया ने किए गया अगर हैं एहसान फरामोश ना, तो खट्टर साहब के हैं ये है भाई। अरे रोटी नहीं खा मारेगे, रुका मारो तेज, सुनना चाहिए खट्टर साहब ने, तेज रुका मारो, नुको ना सुना भाई। ये जो मेरे साथी है, मीडिया के साथी है ना, सारी बात पहुंचाऊंगे उड़े तक, तो खट्टर साहब के हैं। अर नवरात्रे वैसे चल रहे हैं, अर नरसिंह ने काट रखी है बाहर। अरे खट्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ, नरस है ये, लोगों का जीवन बचावे है, हजारों लोगों का जीवन बचाया है, इनको नैपकिन मन्ना मानना भी यूज करे थका दिए। आपके साथ क्या हुआ? यही तो हुआ है, अब यूज करार फेंक दिए, जब जरूरत थी उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे तो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे भाग गए थे ड्यूटी। पूरे हरियाणा के 2200 स्वास्थ्य कर्मी है पूरे हरियाणा के, और इससे शर्म की बात, इससे घटिया बात हो नहीं सकती, इससे घटिया सरकार हो सके भाई? जी मार के बताओ, होश कह के? अरे जब एक बात बताओ, नौकरी तुम दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, और जो मुसीबत में साथ माए, ईब जब वो जो कह नहीं कर अब काम लगड़ा था फिर अपने एक उड़ना हो गया। तो मैं तो आप लोगों को एक बात कहूंगा, देखो, और उसको बाबा जी को कहूंगा, अनिल विज साहब को, अगर तू तो 31 कोरोना में मरण न हो गया था, नर्सा ने तो बताया था, स्वास्थ्य कर्मियों ने तो बताया था, मर गया था कि नहीं मर गया था? शमशान में टांग पड़ी है, शमशान में तो वापस आया है स्वास्थ्य मंत्री जी, तन्नू का अगर इन तो भी टाइम आने हो रहा, कुछ धर्मपुन का काम करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इब आप लोगों को हटा दिया, पूरे हरियाणा में 2200 लोगों को हटा रखा है, 2200 लोगों को जो हटा रखा है, ये कितनी बद्दुआ देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अगर इनका फूफा कोरोना फिर आ गया तो फिर क्या करेंगे ये? एक बात बताओ, अगर जो कोरोना वापस आ गया तो फिर क्या करेंगे? नू तो बताओ, फिर क्या इलाज है? फिर आप लोगों के फिर अगरबत्ती लगाओगे, आप लोग आगे हाथ जोड़ेंगे, फिर वापस बुलाओगे? फिर ये कहेंगे कोरोना वॉरियर है ना, कोरोना योद्धा। पता नहीं है आप लोगों को मतलब कैसी कैसी उपाधि दे रखी है आप लोगों ने, करा भी है काम वो
इसमें कोई शक नहीं आप लोगों की उपाधि बड़ी उपाधि दे रखी है, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम करा है आप लोगों ने, तो एक ताली एक बार अपने लिए बजा लो, आप अपने लिए तो तेज बजा लो, अब भर्ती हो सारे भर्ती बैठे हो। तो देखो हम आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के तन से मन से धन से आप लोगों के साथ हैं, और मैं जितने भी 2200 जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है हरियाणा में, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है, मैं आप लोगों से यह आह्वान करूं, और मैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री खट्टर साहब अगर जरा रुपये नहीं हो तो फिर नूकर कटोरा ठा ले हाथ में, गलत बात तो नहीं है जी, भाई पैसे नहीं है तो कटोरा ठा ले और फिर ताली मारो और के पैसे दे दो ना, मुख्यमंत्री ने कटोरा ठागा होगा तो दे देंगे। हाँ भाई हाँ ठागा बताओ पूरे सारे आंकड़ा भाई अंतर क्या है बाबा जी, यो अनिल विज बाबा जी जो है भाई तेरे तेरे पैसे ना होते नो बता दे, हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में मैं बता देता हूँ 15,000 वैकेंसी खाली है, 15,000 पहले तो अरे नो बता रहे हैं इस हॉस्पिटल में कल्पना चावला में रुपये लेकर तो नौकरी लावे हैं, लावे नहीं लावे हैं, धुक्का मार के बताओ पहले तो रुपये लेवा है और फिर नौकरी लावे हैं, और मैंने पता चला है सारे हॉस्पिटल में कच्चे कर्मचारी है, 5-5 साल तक 3-3 साल तक कच्चे राख रखे हैं, गलत बात है जी, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं कदे नू सोचते हो थारा भी अटन का नंबर आएगा जो बरीन का आ रहा है, ते पहली बात तो यार सारे कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं ये सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो सारा ना हटाओगे भाई साहब, तो सारा ना हटाओगे फिर ये मैं सुन लिया इसके माध्यम से जितने भी कच्चे कर्मचारी हरियाणा में करीब 60-70 हजार कच्चे कर्मचारी हैं, सारे का नंबर आओगा 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी है हरियाणा में, तब सारे कच्चे कर्मचारी सुन लियो भाई सबका नंबर आओगा, आज अगर इनकी गल्ला नहीं खड़े हो कल थारी गल्ला कोई नहीं खड़ा होगा ये देख लियो, और आप लोग आते एक बात बताऊं मैं तो सुन ले मुख्यमंत्री और सुन ले स्वास्थ्य मंत्री, 10 दिन का टाइम है भाई, 10 दिन में या तो इनकी मांग ना मान लिए या तो इनने सारा ना उल्टा ले लिए, और नहीं तो फिर आया मैंने सोटा खाना पड़ेगा, किधर है सोटा, जो सोटा भाई ठीक है ना, ये अरे खा लोगे ना सारे रुका मारेगा बताओ, सुन ले मुख्यमंत्री और सुन ले स्वास्थ्य मंत्री बाबा जी, यो छोटा ये दवाई नौकरी दे दे भाई जो हटा रखे हैं, इसका नाम है छोटा, नाना जी सुनो जी सुनो, मुसल भी कह जाएगा छोटा उर्फ मुसल उर्फ मुगदरे उर्फ खुट्टा, अरे सुने हो गए थोड़ा भी क्या करम से सामते, और हमने थोड़ी देखना है यो तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री देखना कैसी है उसने है? तो जितने साथी हैं मैं आपको बताऊं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इकट्ठे रहियो और 10 दिन का टाइम इसलिए दिया है जो और भी अलग अलग जगह पे बैठे हैं, कितने 50 कार्ड दिए कितने 100 कार्ड दिए कितने 40 कार्ड दिए, टोटल सारे 2200 उनकी बात कर रहा हूं मैं, और जितने कच्चे ला रखे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, सारा ना पक्के कराओगे अगर जब इकट्ठे हो गए तो मैं बता ले
इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। मेरे अकेले के बस की बात नहीं है भाई। कदे मन ने सोटे नीचे मन नहीं था जो तो मन आपके साथ है जी, ठीक है ना। इसलिए पूरी ताकत लगानी है। और मैं यहाँ बात कहूँ भाई, 10 दिन का टाइम है बाबा जी। अरे मुख्यमंत्री जी, अरे अरे तो मुख्यमंत्री है कम से कम आड़े के तो सोच लेता, इतना निकम्मा आदमी रहे। अरे एक बात और भाई, कल रोज तक मैं एलुमिनी मीट है, एलुमिनी मीट आ रहा है यूनिवर्सिटी की, मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, 10 साल उस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मेरे को भी बुला रखा वहां पे। और मुख्यमंत्री है मुख्य अतिथि, आप चिंता मत करो, आम ऐसा ही होगा जरूर। और आम ऐसा ही होगा तो सबसे पहले आपकी बात ये, जितने भी वाइस है ना, जितने भी वाइस है, इनकी बात सबसे पहले आप लोगों का मुद्दा उठाऊंगा मैं, और कोई बात नहीं करूंगा। मन ने नमस्ते करने का कोई शौक नहीं है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री आम ऐसा ही हो गया तो उस तक गए भाई, ये जो 2200 स्वास्थ्य कर्मी ठाए है ना, इसलिए वापस गलती हो जाग रहा है। और भाई नवरात्रे लाग रहे हैं, नवरात्रे लाग रहे हैं बाबा जी, माता का आशीर्वाद ले ले और के फिर शराब ले ले, देख गलत नहीं कहो जी। और आज भी थोड़े है आप कटोरा गए हो रहे हैं, जिसका जो बाटा हुआ मुख्यमंत्री ने भेजेंगे भाई, उसके पास पैसा नहीं है, वो रोजगार नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे सकता, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो ये कह रहे हैं आप लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों ने मरण दो, क्योंकि ये नेता अफसर दो अड़क होने लाज कराओ है, बड़ावी काम कराओगे बड़े बड़े हमें, ठीक है ना जी। तो आप लोगों को ये देखना है, आपकी सरकार द्वारा रुपया नहीं है ना, ये सरकार द्वारा रुपया नहीं है, ये रुपये जो रुपये दे दे ठीक है, जो रुपये नहीं दे वो जाओगा, इसलिए आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं ये कहूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, डटे रहियो, 10 दिन का टाइम है, फिर पूरे हरियाणा का इकट्ठे करेंगे, सारे हरियाणा का इकट्ठे करेंगे, फिर मुख्यमंत्री के घर चल लेंगे, इतना रुपये इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय दिन करनाल में आप आते हैं, मकान ले लेना चाहिए आपको एक। मेरे को ऐसा लगता है करनाल के अंदर जब इतनी समस्याएं हैं, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा का विधानसभा है, उनका गृह जिला है, अगर वहां पे भी इतनी समस्या है तो हरियाणा का क्या हाल हो रहा होगा, आप सोच के देखो। 2200 स्वास्थ्य कर्मी है कोरोना योद्धा बोलते थे जिनको, मान सम्मान पता नहीं उस टाइम पे कितनी पगड़ी पड़ा रहे थे इनको, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इनको नौकरी से निकाल दिया बेचारों को। क्यों निकाल दिया भाई, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार बताओ, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री कटोरा लेकर निकला हरियाणा के लोगों के पास, जितने भी कटोरे लेके निकलेगा इसका मुख्यमंत्री। और बाबा जी अनिल विज साहब कटोरा लेके लेकर बाहर, पैसे ही कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर आप स्वास्थ्य, कितने हजारों लोगों की सेवा कर रहे थे ये लोग, लोग मर रहे हैं, नेता अधिकारियों का इलाज नहीं होता है, आम आदमी का इलाज होता है। और आम आदमी का इलाज जब नहीं कर सकती सरकार, उसके पास नर्सों को, नर्स है वो नैपकिन नहीं है, नर्सों को नैपकिन बना दिया इन्होंने, अब यूज किया जब टूटे था, जब मुसीबत थी तो रख लिया, अब इनको निकाल लिया। मुझे लगता है इससे शर्म की और इससे घटिया बात हो नहीं सकती। और जब ये करनाल के ये हालात हैं, कितनी समस्याएं हैं, मेरे को तो भाई साहब फोन आ जाए मैं आ जाऊँ, मन ने घर लेने की जरूरत नहीं है, मैं सड़क पर रहने आदमी हूँ, सड़क पर काम चला लूँगा, घर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोगों की समस्याएं होंगी, उनकी समस्या उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। और बताओ भाई साहब, खट्टर साहब के लिए कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? आम आदमी पार्टी में आपकी हालत भी ऐसी है जैसे मेरा छोटा ना यार, पार्टी वाला भाई कोरोना योद्धा बिठा लेना, कोरोना उसकी बात को एक मिनट रुक, देखो भाई साहब ऐसा है, देखो नेता आते हैं तो पूछते हैं वो, अरे भाई साहब मैंने मैं तो मुद्दे की बात करूँ भाई साहब, सिर्फ मुद्दे की बात है, चाहे किस्से का भी मुद्दा है, जेन्युइन मुद्दा है, लोग दुखी हैं,
तो मेरा फर्ज है, मैं आज से नहीं 20 साल से जय हिंद हूँ और आज से नहीं 20 साल से आंदोलन कर रही हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और मेरे को किसी की कोई सरकार आओ कोई जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और पार्टी आप अरे भाई साहब पार्टी की जरूरत है, मतलब मेरा हाथ पा टूट रहे हैं नू बताओ आप, मैं काम कर ला रहा, मेरा आवाज ठाण की जितनी मेरी कैपेसिटी है जितना मेरा दम है भाई साहब। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? अरे भाई साहब पार्टियां ना छोड़ो ने, मुद्दे की बात करो, नवीन जयंत कोई महत्वपूर्ण नहीं है किसी के लिए। आगे 10 दिन बाद क्या करेंगे सर? दस दिन के बाद क्या करेंगे? कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, आप उसका इंतजार कीजिए। आपको लगता है आपका ये कटोरे में इतने पैसे आ जाएंगे कि आप मुख्यमंत्री का पेट या इनका मुख्यमंत्री का पेटा भर सकते हैं? ताकि मुख्यमंत्री आता है 100-100 करोड़ तहसीलदार खाजा DDPO खाजा जब नहीं भर रहा मेरे कटोरे थोड़ी भरेगा, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा ना भाई साहब, क्या कह रहे हैं बूंद बूंद सागर भरता, तो कम से कम लोगों को ये तो बताओगे कि भाई ऐसा है मुख्यमंत्री जी के हाथ आ दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास इस सरकार के पास पैसा नहीं है रोजगार देने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है नौकरी देने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वे कुछ हेल्प करो, पीछे मांगे थे करो ना, वे 5-5 रुपये 5-5 किलो की मांगे थे ना, तो इसलिए कह रहे हैं हम तो भाई साहब। थैंक यू।